पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के बाद अब सिंगर अल्फाज पर जानलेवा हमला हुआ है। वाकई ये खबर चिंताजनक है, क्योंकि अल्फाज पर हुए हमले से हर कोई हैरान और परेशान है। सिंगर अल्फाज इस समय मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं। हमले के बाद उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया गया था। अभी डॉक्टर्स उनकी देखरेख कर रहे हैं और अब हनी सिंह ने अल्फाज का हेल्थ अपडेट दिया है। हनी सिंह ने अल्फाज के बारे में बताते हुए कहा है कि अल्फाज अब खतरे से बाहर है। हमले के बाद अल्फाज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उन्हें गंभीर चोटें आईं। हनी सिंह ने अब बताया है कि अल्फाज अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। इसके साथ ही उन्होंने मोहाली पुलिस का आभार भी जताया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। अल्फाज पर शनिवार रात को जानलेवा हमला हुआ था। हनी सिंह ने बताया कि अल्फाज को एक टेम्पो वाले ने मार दिया था। आरोपी के पकड़ने के बाद हनी सिंह ने एक पोस्ट भी किया। हनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि आरोपी को पकड़ने वाली मोहाली पुलिस का धन्यवाद, जिसने टेम्पो ट्रैवलर के साथ अल्फाज पर हमला किया था। अल्फाज अब खतरे से बाहर है। हनी सिंह के इस पोस्ट के बाद सिंगर के तमाम चाहने वालों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि हर कोई अल्फाज के लिए बस यही दुआ कर रहा था कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। इससे पहले हनी सिंह ने अल्फाज की एक फोटो अस्पताल से ही शेयर की थी। इस फोटो के साथ उन्होंने हमलावरों को धमकी भी दी थी। इस बारे में बताया जा रहा है कि शनिवार रात मोहाली के पल ढाबा से अल्फाज अपने तीन दोस्तों गुरप्रीत, तेजी और कुलजीत के साथ बाहर आ रहे थे। यहां उन्होंने एक कस्टमर और ढाबे के मालिक को पैसों के लिए लड़ते हुए देखा। कस्टमर ने अल्फाज से गुजारिश की कि वह ढाबे वाले से बात कर ले, लेकिन जब ढाबे का मालिक राजी नहीं हुआ तो कस्टमर ने उसका टेम्पो लेकर भागने की कोशिश की। इस दौरान अल्फाज बीच में आ गए और कस्टमर ने उन्हें टेम्पो से टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के बाद अल्फाज को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल तुरंत ले जाया गया। आरोपी शख्स का नाम विशाल बताया जा रहा है। मोहाली पुलिस स्टेशन में उसके और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जाहिर है कि अल्फाज पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। इसके अलावा वो एक्टर, मॉडल, राइटर भी हैं। उनका असली नाम अमनजोत सिंह पवार है। अल्फाज का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। उन्होंने साल 2011 में हाय मेरा दिल गाने से सिंगिंग डेब्यू किया था। उनका डेब्यू गाना काफी हिट रहा था। फिल्मों में अल्फाज को साल 2013 में देखा गया था और अल्फाज ने 14 साल की उम्र से ही गाने लिखने शुरू कर दिए थे। बहरहाल अब वो बिल्कुल ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं। उनके फैंस उनकी हेल्थ के बारे में जानने के लिए बेताब थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।